नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हाजीपुर में बड़ा घटना घटा। पासवान समाज और यादव के बीच में हिंसक झड़प देखने को मिली, जिसमें यादव जो है गुंडे बनकर करीब 300 के तादाद में पासवानों की बस्ती पर टूटते हैं और पूरी बस्ती को तहस नहस कर देते हैं। यहां तक कि उनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि घर में जो महिलाएं थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को भी पीटा गया, जिसके बाद महिला जो है इस वक्त सदर हॉस्पिटल में भर्ती है। तो जो पुरुष परिवार थे वो इस वक्त PMCH पटना में अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र चिराग पासवान की कर्म भूमि, जिसे चिराग पासवान ने कहा था कि मैं संभालूंगा अपना पिता का विरासत, वो चिराग पासवान कहाँ है? घटने को आज 5 दिन बीत गया है, लेकिन अब तक चिराग पासवान घटनास्थल पर नहीं पहुंचे है, गांव में नहीं पहुंचे हैं। वैसे में पीड़ित पासवान समाज जो है वो कह रहा है कि चिराग पासवान से हमें उम्मीद तो थी, लेकिन अब वो उम्मीद का दिया जो है बुझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो मामले निकलकर सामने आए ये सिर्फ चुनावी रंजिश का रहा। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी जी हैं। मैम, स्वागत है आपका। लेकिन दुखद खबर मैं आपको बोलूंगा, हाजीपुर जहां से आप लोग भी जुड़े हुए हैं, पशुपति पारस जी जुड़े हुए हैं, वहां पर इतना बड़ा घटना घटता है लेकिन चिराग पासवान नहीं पहुंचते हैं। देखिए, जिस ढंग से मैंने पहले भी कहा था कि चिराग जी जिस दिन केंद्र में मंत्री बनेंगे वो धीरे धीरे ये भूल जाएंगे कि उनका एक वंस अपॉन अ टाइम जिस नारे के वजह से लोगों ने उनका समर्थन किया था और बड़ा युवा बिहारी बन के वो पूरे बिहार में अपना झंडा फहराते फिर रहे थे, वो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और आज बिहारी भी आपस में आपके लड़ रहे हैं, चाहे वो यादव हो या पासवान हो, या आपस में जो लड़ने और भिड़ने की जो घटना, उन्हीं के सांसद या इलाके से आ रहे जहाँ से उन्होंने जीता और हाजीपुर लड़ने के लिए वो क्या क्या रणनीति खेले थे हम सबको पता है। बड़ी दुख की बात यह है कि लोग जब दिल्ली में उनका आवास का ठिकाना मिल जाता है और वो केंद्र में मंत्री बन जाते हैं और जिनके बदौलत वो केंद्र में मंत्री बने उन सारे लोगों को वो भूल गए। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। लेकिन ये अच्छी बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले सारे तस्वीर सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हाजीपुर की जनता, चाहे कोई भी गुट के हो, उनके लिए भी आंख खोलना बहुत जरूरी था। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं फिर कह रही हूँ कि आप एक बहुत बड़े केस स्टडी, आपके साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना अन्याय हुआ, ये सब के बावजूद भी लोगों ने आपका समर्थन किया, आपने बंगला छीना, आपने कार्यालय छीनने का दावा किया। भाई, मैंने उस दिन भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए कहा था कि आप वहां पे बैठ के आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा जरूर लगाइए, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इनको जिस दिन केंद्र में मंत्री पद मिलेगा उस दिन वो बिहार के तरफ मुंह भी करके नहीं देखेंगे। और हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों पूरे भारतवर्ष तथा पृथ्वी में सबसे बड़े वेडिंग चारों तरफ छाए हुए और उसमें चिराग जी जब जाने का फुर्सत निकाल सकते हैं और एयरपोर्ट लुक जाना, एयरपोर्ट लुक आना, वेडिंग लुक का फोटोज, हर एक चीज वो साझा कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जिस क्षेत्र के वजह से वो केंद्र का मंत्री बने वो क्षेत्र का ना कोई नामो निशान है और ना कहीं पे उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है। लेकिन मैम, इतना बड़ा घटना घटना, वो भी हाजीपुर में, रामविलास पासवान जी की धरती रही है वो, वहां से पशुपति पारस सांसद रहे हैं, उस समय तक इतना बड़ा घटना नहीं घटा था, ना पासवान समाज में हिंसक हुई थी और ना ही यादव समाज में। लेकिन 300 के संख्या में यादव समाज एक पासवान बस्ती पर टूटते हैं, पूरा इलाके को छावनी के रूप में बदल दिया गया है और चिराग पासवान को इसकी जानकारी नहीं है, उनके पार्टी को इसकी जानकारी नहीं है, तो ऐसे विकास कर। मैम, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहां से खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धरती रही है, पशुपति पारस जी सांसद रहे हैं, इतना बड़ा घटना आज तक देखने को नहीं मिला। लेकिन चिराग पासवान जैसे ही कमान संभालते हैं, यादव और पासवान समाज में हिंसक झड़प हो जाती है जिसमें पासवान समाज को काफी क्षति हुई है, लेकिन चिराग पासवान दम भरते हैं कि पासवान समाज का बड़ा नेता है, पासवान समाज की दबदबा उनके साथ है, एक पूरी गुट उनके साथ है, लेकिन उस गुट पर हमला होता है और चिराग पासवान की इसकी जानकारी तक नहीं है, तो क्या ऐसे विकास करेंगे हाजीपुर और बिहार की? देखिए, सबसे बड़ी बात वो अपने क्या कहते हैं, केंद्र में मंत्री बनने के लिए पांचों सांसद उन्होंने लिया, उन्होंने सामदान दंडवेद सारी चीज का प्रयोग किया, लोग इमोशनल होके उनको वोट किए, युवा बिहारी बनके नेशनल क्रश बनके चारों तरफ वो घूम रहे हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं
और जिस क्षेत्र में आज तक कभी दंगे की खबर नहीं आए, चाहे वो श्री पशुपति कुमार पारस जी हो या स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जैसे बड़े लीडर के रहते हुए कभी इस ढंग की घटनाएं नहीं घटी, और आज चिराग जी के वजह से ये घटनाएं घटती है, तो मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और हाजीपुर की जनता अगर अभी आंख नहीं खोलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। और देखिए भाई, आप ही लोगों ने वोट देके उनको हाजीपुर में जिताया, आप ही लोगों ने वो सारे चीज किए जो आपको लगा कि भाई चिराग पासवान है तो वो पासवान जाति के लिए सोचेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उनको अगर सही में बिहार के लिए दर्द होता तो अभी तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को इम्प्लीमेंट कर चुके होते और उसके तहत सारे लोग लाभवान होते। और बहुत दुख की बात है कि उनके अपने जाति के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है और वो चुपचाप अभी बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली, बॉम्बे दिल्ली कर रहे हैं और बिहार के तरफ मुंह करके भी नहीं देख रहे। पासवान समाज की जिन महिलाओं के साथ ये दर्दनाक घटना हुआ है, मैं खुद उनके पास गया था, बात किया, उनका कहना था कि हमने चिराग पासवान को वोट करके सांसद बनाया, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यादव समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपने लालटेन को बुझा दिया, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब पासवान समाज क्या करे, जिन्हें वोट करके जिताए वो तो साथ देने को तैयार नहीं, उन्हें घटना के बारे में जानकारी नहीं है, आखिरकार वो दबे कुचले जो लोग हैं वो कहाँ जाए। मैम, सबसे बड़ी बात है कि ये क्या कहते हैं, जनता की गलती नहीं है। उन्होंने सोचा था कि जिस ढंग से उनके पिता ने हाजीपुर की सेवा किया था, उनको लगा कि उनके पुत्र होने के नाते उत्तराधिकार, क्या करें, वो उन्होंने हमेशा एक वर्ड की यूज किया था, उत्तराधिकारी, तो भाई सक्सेसर होने के नाते वो भी हाजीपुर के लिए वैसा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनको लोगों के लिए पैशन होगा तब ना, वो अभी सिर्फ और सिर्फ पैशन में घूम रहे कि भाई वो केंद्र में मंत्री बन गए, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में वो कितना ज्यादा वो फूड प्रोसेसिंग का फूड पार्क वो बिहार में तथा अन्य अन्य जगह में वो खोलते हैं और किस ढंग से वो राजनीतिक संबंध को बिहारियों के लिए लाभवान करते हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि चिराग पासवान को वोट देके अगर सही में पासवान जाति को लग रहा है कि उन्होंने गलती किया है, तो मुझे लगता है कि चिराग जी को इस वक्त इन सारे काम छोड़कर हाजीपुर में जाके लोगों की बात सुननी चाहिए, उनकी सेवा में लगनी चाहिए और उनका जो विजन और मिशन जिसके जिसका नारा दे दे के वो लोगों का दिमाग खराब किए थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन सारे चीजों को उनको करना चाहिए। बार बार मैं लोगों को कहती हूँ कि गोरा होना या अच्छे इंग्लिश बोलने से कोई अच्छा लीडर नहीं होता है, कुछ चीजें जेनेटिक्स होता है, कुछ चीजें आप भी सीख जाएंगे। काले और गोरे और अंग्रेजी बोलने वाले से ही जो आप अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे या बड़े लीडर कहलाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तब तो ऐसे बहुत सारे नेता है जिनके पास लुक्स नहीं है लेकिन वो काम अच्छा करते हैं और वो ठेठ हिंदी भोजपुरी भाषा बोल के आज दुनिया पे फतेह हासिल कर रहे हैं। और ऐसे बहुत लोगों को भी हम जानते हैं जो पढ़े लिखे होने के साथ भी लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो चिराग जी कौन से कैटेगरी में आते हैं ये तो उन्हीं को सोचना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये बहुत दर्दनाक है सारे पासवान जाति के लिए और साथ साथ उन महिलाओं के लिए जिनके साथ ये गलत हरकत हुआ। मैं उन सारे महिलाओं को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ, अगर मेरे लायक कोई सेवा होगा आप बताइएगा, मैं जरूर आपका साथ दूंगी। मैम, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, पासवान समाज के जो सबसे बड़े नेता खुद को मानते हैं चिराग पासवान, वो नहीं पहुंचे हैं, यादव जाति के लोग हमला किए हैं, यानी कि राजद आवाज उठाएगी नहीं, क्योंकि अगर राजद आवाज उठाती है तो वो फंसती हुई नजर आएगी। ऐसे में पीड़ित परिवार इस वक्त क्या करे, उनके एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है, जाए तो जाए किधर, इंसाफ कैसे? सीधा उनको जाना चाहिए, क्या कहते हैं, पटना आना चाहिए और उनके जो चिराग जी के जो कार्यालय है, नया कार्यालय हो या पुराना कार्यालय हो, वहाँ पे सब जाके आवेदन पत्र दें और उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी के साथ वो लोग वार्तालाप करके कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे जितना खबर है कि पूरी पार्टी तो अभी नए कार्यालय में शिफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन शिफ्ट करने के बाद, वहां पे जाने के बाद पता नहीं वो क्या रणनीति अपनाएंगे और बिहार के बिहारियों के लिए कितना आगे बढ़ चढ़ के सोचेंगे, ये तो देखने वाली बात है कि उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार के लिए कौन सा नया योगदान करते हैं तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना बात जरूर है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत आज पासवान जाति के साथ ये गलत हुआ, ये चीज शायद चिराग जी को दिख नहीं रहे या फिर शायद वो देखना नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।